वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा महीने के प्रत्येक 14 तारीख को प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है। यदि इस तारीख को किसी कारणवश यह स्वास्थ्य मेला निर्धारित तारीख को नहीं लगा तो उसी माह किसी अन्य तिथि को आयोजित किया जाता है और आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल वैन के जरिए प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भी प्रत्येक माह की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन विभिन्न वार्डों में किया जाता है। ऐसा ही एक स्वास्थ्य मेला खुर्सीपार सेक्टर 11 के शिवालय मंदिर प्रांगण में लगाया गया, जहां विभिन्न प्रकार की जांच निःशुल्क की गई एवं डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराकर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। जाँच के दौरान यदि गंभीर बीमारी या समस्या दिखाई देती है तो उन मरीजों को शासकीय अस्पतालों में भेजकर निःशुल्क इलाज भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लगाए गए इस स्वास्थ्य मेले की जानकारी शिविर में उपस्थित डॉक्टर शुभदा ने न्यूज टीम को दी है और शिविर के उद्देश्य को भी बताया है। यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है। हर महीने अलग अलग वार्ड में ये मेला लगाया जाता है। जनरली 14 तारीख को ही लगता है, उसके आगे पीछे एक दो दिन बट लगता ही है। और यहाँ पे मरीजों का जांच होता है, बीपी शुगर का जांच होता है, जनरल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके मेडिसिन भी यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं हम। और अगर किसी चीज़ का आगे इनको लगता है कि स्पेशलाइजेशन दिखाना है तो हम यहाँ से उनको रेफर करते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में लिख के। और अभी सुबह से यहाँ पे मेला लगा हुआ है और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 80 पेशेंट्स आ गए हैं। इस मेले का उद्देश्य ये है कि हम जैसे हर गली मोहल्ले में जाके, जनरली कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करके दूर तक नहीं जा पाते, तो यहाँ पे आसपास में जिनके जो जनरल जिनको प्रॉब्लम है वो यहीं पे आके मेडिसिन ले लेंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए यह मेला लगाया गया। क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया और निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और दवाइयां प्राप्त की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्धे के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।